और एक दिन पूरे देश के ऊपर भविष्यवाणी हुई। शिव जी ने कहा, जनता को कहा कि आप सब लोग महान देश के लोग हो, क्यों सोए हुए हो? देश तो महान था, जनता भी महान थी, लेकिन जनता सोई हुई थी। जनता को भगवान शिव ने जागृत कर दिया, सारी जनता खड़ी हो गई और उस अहंकारी भ्रष्टाचारी चौथी पास राजा को जनता ने उखाड़ के फेंक दिया। नमस्कार मित्रों, इस बार राजस्थान में विधानसभा का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है। आमतौर पर राजस्थान में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही मुकाबला होता रहा है और यही पार्टियां अदल बदल कर सत्ता में आती रही हैं। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में चुनावी दस्तक दी है और ये देखना होगा, बड़ा दिलचस्प होगा जो भी राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं उनके लिए, कि राजस्थान की भूमि आम आदमी पार्टी के लिए गुजरात साबित होती है कि पंजाब साबित होती है। क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब के बाद किसी तीसरे प्रदेश में भी कोई राजनीतिक सियासी बड़ी कामयाबी हासिल कर पाएगी? ये एक सवाल लोगों के सामने है। लेकिन इससे पहले ये सवाल जरूर है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है, जिस तरह के मुद्दे उठाती है, वो मुद्दे राजस्थान में चर्चा का विषय बन गए हैं और वो अभी से ही बन गए, क्योंकि आज श्रीगंगानगर में अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी रैली करके वहां पर चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। हालांकि इससे पहले भी राजस्थान में आम आदमी पार्टी के प्रभारी डॉक्टर संदीप पाठक ने एक बड़ी रैली करके श्रीगंगानगर में आज जो रैली हो रही है इसके बारे में ऐलान किया था और पूरे प्रदेश से, पूरे राजस्थान से लोगों को वहां पहुंचने का आह्वान किया। मैं ये वीडियो आपको इसलिए दिखाना चाहता हूं ताकि आप समझ सकें कि आम आदमी पार्टी किस तरह के मुद्दों पर राजनीति करती है और किस तरह की बातें कर रही है और किस तरह के सवाल राजस्थान में वो उठा रही है। राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस अशोक गहलोत जी और वसुंधरा राजे का जो असोधारा का गठबंधन है, उस गठबंधन को तोड़ने के लिए आज हमारे सबके बीच में हमारे क्रांतिकारी नेता अरविंद केजरीवाल जी आ गए हैं। साथियों, हम लोग पूरा प्रण करते हैं आज और उनको आश्वासन देते हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे। और आज जो आप बिगुल बजाने के लिए राजस्थान के अंदर आए हैं, राजस्थान को अब भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए हम लोग 24 घंटे काम करेंगे। साथियों, अरविंद केजरीवाल ने जब आज सभा में अपनी भाषण की शुरुआत की तो शुरुआत में वो हमलावर थे अशोक गहलोत पे, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं और वो लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। और इसके बाद उन्होंने चौथी पास राजा की एक कहानी सुनाई। चौथी पास राजा की कहानी वो जो सुनाते हैं और उसमें जो पात्र जिस तरह के परिस्थितियां और पात्र हैं, उससे साफ हो जाता है कि वो किस पर हमला कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बहुत ही तीखा हमला कर रहे हैं और अपनी कहानियों के जरिए उन पर हमला कर रहे हैं। खास बात यह है कि राजस्थान में उन्होंने जो ये कहानी सुनाई है चौथी पास राजा की, उस कहानी में कुछ नए पात्र भी जुड़ गए हैं। उन पात्रों के बारे में भी आप समझने की कोशिश करिए और देखिए कि उस कहानी में कौन से नए पात्र शामिल हो गए हैं जिसके बारे में केजरीवाल चर्चा कर रहे हैं और उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की सोच और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आपके सामने केजरीवाल का भाषण, जो काफी लंबा है, लेकिन मैंने उसके कुछ प्रमुख हिस्से आपके लिए सामने रखा है ताकि आप समझ सकें कि राजस्थान में आम आदमी पार्टी किस तरह के मुद्दे उठा रही है और किस तरह वहां के नेताओं को घेर रही है और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले रही है। इतनी भारी संख्या में आज सब लोग यहाँ आए हैं, आपको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमें सुनने के लिए आप राजस्थान के कोने कोने से आए। अभी जब हम लोग आ रहे थे, हमने देखा पूरे गंगानगर में, और केवल गंगानगर नहीं, खासकर ये जो स्टेडियम है,
स्टेडियम के चारों तरफ गहलोत साहब ने अपने होर्डिंग और अपने बैनर लगा रखे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, गहलोत साहब 5 साल काम कर लेता तो ये नीच हरकत नहीं करनी पड़ती आपको। मैंने पूछा किसी से, मैंने कहा भाई यहां इतने होर्डिंग लगाने की क्या जरूरत थी? बोले जी आज तक गहलोत साहब के पूरे कार्यकाल में इतनी बड़ी जनसभा कभी गहलोत साहब ने नहीं करी, आपकी तो यह पहली जनसभा है। जितनी बड़ी आज पहली जनसभा यहां हो रही है, तो ये सारे होर्डिंग इन्होंने आपको दिखाने के लिए लगा रखे हैं। हमारे आने के पहले अभी पता चला यहां 15-20 लोग आ गए थे, उठा उठा के कुर्सियां फेंक रहे थे। ये तो डरपोक लोगों की हरकत है, ये तो कायर लोगों की हरकत है। अगर 5 साल काम कर लेते गहलोत साहब तो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका काम बोलता। आपने 5 साल काम नहीं करा, इसलिए आज आपको केजरीवाल की रैली खराब करने की जरूरत पड़ रही है, इसलिए आज आपको आम आदमी पार्टी की रैली खराब करने की जरूरत पड़ रही है। अगर आप देश राजस्थान के लोगों के दिलों में बसते तो आप आराम से चैन की नींद सो रहे होते। आज क्या कर रहे हैं गहलोत साहब? चारों तरफ रोज एक नया झुंझुना, रोज एक नया झुंझुना, रोज एक नया झुंझुना, उसकी बात करेंगे सारी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं एक आम आदमी हूं, छोटा सा आदमी हूं। भगवंत मान एक मास्टर का बेटा है, किसान का बेटा है, पंजाब का। हम लोगों को राजनीति करनी नहीं आती, हम लोगों को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, हम लोगों को गंदगी फैलानी नहीं आती, मारकाट करनी नहीं आती, गाली गलौज करना नहीं आता, दूसरों की रैलियां खराब करनी नहीं आती, भ्रष्टाचार करना नहीं आता, काम करना आता है। हमारा काम बोलता है। दिल्ली में 5 साल इतना काम करा, देश के कोने कोने में जहां जाते हैं लोग अपने आप ही चर्चा करते हैं, केजरीवाल जी आपने स्कूल बड़े अच्छे कर दिए। सुना आपने? केजरीवाल जी आपने अस्पताल बड़े अच्छे कर दिए। अभी पंजाब में 1 साल हुआ है हमारी सरकार बने, सवा साल हुआ है बस, अभी से पंजाब की चर्चा पूरे देश में होने लग गई। अरे यार पंजाब में बिजली मुफ्त हो गई, अरे यार पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक बन गए, अपने आप चर्चा हो रही है कामों की अपने आप। तो हमको राजनीति नहीं करनी आती, हमको काम करने आते हैं। आज हम आपके सामने आए हैं एक नए राजस्थान का सपना लेके। आपने 50 साल कांग्रेस को दिए, 50 साल राजस्थान पे कांग्रेस ने राज करा, 18 साल बीजेपी ने राज करा। क्या दिया आपको? केवल उन्होंने मिलके कांग्रेस और बीजेपी वालों ने राजस्थान को लूटा, चूस लिया दोनों पार्टियों ने मिलकर राजस्थान को। आज आपके सामने मैं राजस्थान के एक नए राजस्थान का सपना लेके आया हूं। 8 करोड़ राजस्थानियों के साथ मिलके एक नया राजस्थान बनाएंगे। मेरे को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती। आज मैं आपके परिवार की बात करूंगा, आपके घर की बात करूंगा, आपके बच्चों के भविष्य की बात करूंगा। मेरे को पता है आपका एक एक आदमी जितने यहां बैठे हैं आपके घर का खर्चा नहीं चल रहा, बड़ी मुश्किल हो रही है आप सब लोगों को। मेरे को पता है आपके घर की महंगाई की, आपके घर के खर्चे की बात करूंगा। मेरे को पता है यहां जितने लोग बैठे हैं एक एक के घर में अनपढ़ पढ़े लिखे बच्चे डिग्री लेके नौकरी ढूंढ रहे हैं, बेरोजगार ढूंढ रहे हैं, आज उनके रोजगार की बात करूंगा मैं।
आज मैं आपको कहने के लिए आया हूं, मेरे को वोट दो, मैं आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करके दूंगा। आज तक किसी पार्टी ने यह नहीं कहा होगा, कभी कांग्रेस ने नहीं कहा होगा मेरे को वोट दो मैं आपके लिए शिक्षा का इंतजाम करूंगा, कभी बीजेपी वालों ने नहीं कहा होगा मेरे को वोट दो आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाने का इंतजाम करूंगा। पहली बार इस देश के अंदर एक पार्टी आई है, हमने करके दिखाया है, दिल्ली के शानदार स्कूल बना दिए, अमीरों के लिए भी गरीबों के लिए भी। आज मैं आपको कहने के लिए आया हूं, दिल्ली से आया हूं, मेरे को वोट दो आपके एक एक बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करूंगा। शानदार स्कूल बनाएंगे, शानदार कॉलेज बनाएंगे, अमीरों के लिए भी गरीबों के लिए भी, इस जात के लिए भी उस जात, सबके लिए शानदार स्कूल बनाएंगे। आपके बच्चों को डॉक्टर बना दूंगा मैं, आपके बच्चों को इंजीनियर बनाऊंगा, आपके बच्चों को वकील बनाऊंगा, आपके बच्चों को बिजनेस करना सिखाऊंगा, धंधा करना सिखाऊंगा आपके बच्चों को। आज राजस्थान में 18.5 लाख बेरोजगार युवा रजिस्टर्ड हैं, ये तो रजिस्टर्ड हैं, इसके अलावा पता नहीं कितने हैं। मेरा दिल कहता है, मेरा एस्टीमेट है, कम से कम 50 लाख युवा राजस्थान में बेरोजगार हैं। 5 साल में क्या किया गहलोत साहब ने, उसके पहले क्या किया वसुंधरा राजे ने, कुछ नहीं किया। मैं दिल्ली में 12 लाख बच्चों को नौकरियां दे के आ रहा हूं, मेरे को नौकरियां देनी आती है। भगवंत मान ने पिछले 1 साल में 30,000 बच्चों को सरकारी नौकरी दे दी और अभी 3 लाख बच्चों को नौकरियां देने का इंतजाम कर रहे हैं भगवंत मान। तो आज मैं आपको कहने के लिए आया हूं, आम आदमी पार्टी को वोट दो, झाड़ू को वोट दो, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, आपके बच्चों के लिए रोज हमें आ रहा हूं पेपर लीक, उसकी भी चर्चा करूंगा, चिंता ना करो, दोनों पार्टियां मिलके करती हैं, मेरे को पता है। आज मैं आपको कहने के लिए आया हूं, आपके घर में कोई बीमार हो जाए, सरकारी अस्पताल में राजस्थान में कोई इलाज नहीं होता, ना डॉक्टर, ना दवाई, ना मशीन, ना एक्सरे, कुछ नहीं है, और प्राइवेट में चले जाओ। कल मेरे एक रिश्तेदार का फोन आया, उसका बेटा गिर गया, यहां पे चोट लग गई माथे पे, किसी और राज्य में रहता है, दिल्ली में नहीं रहता, कहीं और रहता है। वो एक बड़े अस्पताल में गया टांके लगवाने, 4 टांके लगने थे, उस बड़े अस्पताल वालों ने 2.25 लाख रुपए का बिल बना दिया, 4 टांके लगाने हैं, 4 टांके। आज इतना महंगा हो गया इलाज कराना, इतना महंगा हो गया इलाज कराना, आम आदमी थोड़ी सी बीमारी हो जाए लुट जाता है, पूरा घर लुट जाता है उसका। दिल्ली में हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया। आपको खांसी है, बुखार है, क्रोसिन की टेबलेट लेनी है, दवाई मुफ्त मिलेगी, डॉक्टर मुफ्त, टेस्ट मुफ्त, सारा इलाज मुफ्त, सब कुछ मुफ्त कर दिया। पूरे दिल्ली में जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सारे दिल्ली के सरकारी अस्पताल एयर कंडीशन्ड बना दिए, प्राइवेट अस्पतालों से भी ज्यादा अच्छे कर दिए दिल्ली के सरकारी अस्पताल। और दोस्तों, अंत में मैं आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाना चाहता हूं। चौथी पास राजा, किस किस ने सुनी हुई है? चौथी पास राजा, यह एक महान देश की कहानी है, एक बहुत महान देश था, सदियों साल पुराना देश, और कैसे वहां एक अनपढ़ राजा आ गया और उस अनपढ़ राजा ने उस देश को कतई बर्बाद कर दिया, पूरा देश बर्बाद कर दिया। यह कहानी यह दिखाती है कि किस तरह से यह बहुत जरूरी है कि देश का राजा पढ़ा लिखा होना चाहिए, नहीं तो अनपढ़ राजा आ जाए तो वो देश को बर्बाद कर देता है।
एक महान देश के गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया। बहुत गरीब परिवार था। उस गरीब परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया। गांव में ज्योतिषी होते हैं, बच्चा जन्म लेता है तो ज्योतिषी आता है। ज्योतिषी आया, ज्योतिषी आके मां को बोला, माई तेरे बेटे की कुंडली दिखा रही है, तेरा बेटा बड़ा होके बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। माई को यकीन नहीं हुआ। माई बोली, मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरा बेटा कैसे सम्राट बनेगा, पर कुंडली में तो लिखा था। बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, स्कूल में एडमिशन ले लिया, सरकारी स्कूल था। बच्चे का मन नहीं करता था पढ़ाई लिखाई में। चौथी क्लास के बाद बेटे ने पढ़ाई छोड़ दी, स्कूल जाना बंद कर दिया। उसी गांव के पास एक स्टेशन था, रेलवे स्टेशन। तो गांव घर में बहुत गरीबी थी, गरीबी की वजह से घर में गुजारा नहीं होता था, तो बच्चा स्टेशन पे जाके चाय बेचा करता था। समझ गए? तो बेटा स्टेशन पे जाके चाय बेचा करता था। भाषण बड़े अच्छा देता था, वो बचपन से ही उसको भाषण देने की लत थी। गांव के बच्चों को इकट्ठा कर लेता और खूब भाषण देता। एक बार शुरू होता तो बंद ही नहीं करता, और किसी टॉपिक पे बुलवा लो, खूब फेंकता, लंबी लंबी फेंकता। वो बचपन से ही फेंकता था। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, ज्योतिषी की भविष्यवाणी थी, बड़ा होके बच्चा देश का राजा बन गया। अब राजा तो बन गया, पढ़ा लिखा था नहीं, समझ थी नहीं, बेवकूफ था, कुछ आता नहीं था, कुछ समझ नहीं थी। तो अफसर उसके पास फाइल लेके आते, जब अफसर उसके पास फाइल लेके आते उसे कुछ समझ ही नहीं थी। अब वो अफसरों से कह नहीं सकता मेरे को कुछ नहीं आता, शर्म आती थी उसको। अफसर उससे जो मर्जी साइन करा के ले जाते, जो मर्जी साइन करा के, उल्टा सीधा सब कुछ साइन कर देता था वो बेवकूफ राजा, अनपढ़ राजा, चौथी पास राजा। धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया राजा अनपढ़। राजा को बड़ा बुरा लगा कि लोग मेरे को अनपढ़ कहते हैं। तो एक दिन राजा ने किसी को कह के एक फर्जी डिग्री का इंतजाम कर लिया। फर्जी डिग्री का इंतजाम कर लिया, एमए की डिग्री। राजा बोला, मैं एमए हूं, जनता को तो सच्चाई पता थी, जनता को पता था अनपढ़ राजा है, चौथी पास है, डिग्री फर्जी है। धीरे धीरे राजा अहंकारी होता गया, इतना अहंकार। लोग आते, अनपढ़ था, कुछ भी कह देते, आप तो देवता हो, आप तो ऐसे हो, आप तो ऐसे हो, और राजा अहंकार में डूबने लग गया, अहंकार में डूबा। एक दिन किसी ने आके उसको कह दिया, राजा जी नोटबंदी कर दो, नोटबंदी करने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। राजा ने नोटबंदी कर दी, भाई साहब उस महान देश का बेड़ा गर्क हो गया। लंबी लंबी लाइनें लग गई बैंकों के सामने, लंबी लंबी लाइनें लग गई, कई लोग मारे गए, धंधे चौपट हो गए, दुकानें बंद हो गई, इंडस्ट्री बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, और वो महान देश 20 साल पीछे चला गया, 20 साल पीछे चला गया वो महान देश। एक दिन कुछ लोग आके बोले, जी ये किसानों के 3 कानून बना दो, इससे किसानों का भला। वो राजा बेवकूफ था, उसे समझ तो थी नहीं, उसने किसानों के 3 कानून बना। पूरे देश में किसान खड़े हो गए, उसके आंदोलन हो गया, 750 किसान मारे गए। 1 साल के बाद उस राजा को 3 कानून वापस लेने पड़े। एक दिन उस देश के अंदर महामारी फैल गई,
बड़ी कठोर महामारी, लोग मरने लगे। किसी ज्योतिषी ने आके उस राजा को बोल दिया, थालिया थाली और चम्मच बजवाओ। उस राजा ने सारे देश को थाली चम्मच बजवा दी, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। दोस्तों, धीरे धीरे उस राजा के दोस्तों ने पूरे देश में गदर मचा दिया। उसके दोस्तों ने इतना भ्रष्टाचार, उसके दोस्त लोगों को लूटने लगे, पीटने लगे, बलात्कार करने लगे। उसके एक दोस्त ने तो इतना गंदा काम करा, उस महान देश की कुछ महिला अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थी, उसके दोस्त ने उन खिलाड़ियों के साथ गंदा काम कर दिया। लेकिन दोस्त, वो राजा तो अपने ऐशो आराम में मस्त था। पूरे देश में हाहाकार फैल गया, महंगाई फैल गई, चारों तरफ बलात्कार, चारों तरफ गुंडागर्दी, लूटमार। ऊपर आसमान से सारे देवता देख रहे थे कि ये पृथ्वी पे क्या चल रहा है, इतना खराब टाइम चल रहा है। सारे देवताओं ने मीटिंग करी और सारे देवता मिलके शिवजी महाराज के पास गए। शिवजी महाराज जी को बोले, प्रभु कुछ करो, पृथ्वी के ऊपर कितना घनघोर अपराध हो गया, पापी बाप चारों तरफ। शिवजी ने अपनी तीसरी आंख खोली और एक दिन पूरे देश के ऊपर भविष्यवाणी हुई। शिवजी ने कहा, जनता को कहा कि आप सब लोग महान देश के लोग हो, क्यों सोए हुए हो, सब लोग जागो, उठो और इसे अहंकारी राजा का राजपाट उठा के फेंको। और एक दिन सारे देश की जनता खड़ी हो गई। एक दिन उस महान देश की सारी जनता खड़ी हो गई। देश तो महान था, जनता भी महान थी, लेकिन जनता सोई हुई थी। जनता को भगवान शिव ने जागृत कर दिया, सारी जनता खड़ी हो गई और उस अहंकारी भ्रष्टाचारी चौथी पास राजा को जनता ने उखाड़ के फेंक दिया। दोस्तों, इस कहानी से एक ही सबक मिलता है, कभी भी अनपढ़ राजा को वोट मत देना, पढ़े लिखे आदमी को वोट देना, फर्जी डिग्री वाले को वोट मत देना। और राजस्थान में एक मौका दो आम आदमी पार्टी को, आपको यकीन दिलाता हूं अगले 50 साल आप सारी पार्टियों को भूल जाओगे। भारत माता की। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श और इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।